श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं गुरुपाद पद्म मिथिलीला पर विष्णु विष्णु पाद यशोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुपाद पद्म मिथिलीला पर विष्णु विष्णु पाद यशोदर सदस्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की चरण स्वर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। इसलिए भागवत में एकादश स्कंध में वहाँ पर जो नेमी नव जोगेंद्र संवाद में तब श्री नेमी महाराज नव जोगेंद्र को नौ प्रश्न किया। नौ प्रश्न में पहला प्रश्न था कि आत्मा को शांति कैसे मिले, हम जीवन में सबके जो जीवन में सुख की आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने उन्होंने बहुत कुछ बात बताए हैं, बहुत कुछ साधु संघ की क्या महिमा है, साधु संघ की महिमा के बारे में फिर बताए जीव कैसे धीरे धीरे सदगुरु चरण आश्रय ग्रहण करता है। सदगुरु चरण आश्रय ग्रहण करते हुए जो कुछ करता है काय मन और वाक्य से करता है, इसलिए कहते कोई चीज़ को छोड़ना नहीं, हर चीज़ को हमें जोड़ना है। कहते ना काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, यह छोड़ने के लिए भगवान दिए तो सब कुछ भगवान ने दिए ना, तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कोई चीज़ छोड़ना नहीं, वो कहते हैं काय मन वाक्य से जो कुछ करते हो ये भगवान से चोर है ना। इसलिए काम कृष्ण कर्मार्पण, गोपियाँ काम को तरह कृष्ण को प्राप्त कर गया, काम नहीं होता तो कृष्ण ही नहीं होता, जैसे हम दिन भर काम ही करते हैं। लेकिन काम किसके लिए करते हैं, भगवान की सेवा के लिए। क्रोध क्रोध गंदी चीज है, लेकिन अगर कोई भक्ति विरोध कोई काम करे तो उसमें क्रोध भी नहीं करते ना, वो भी अपराध है। कोई भक्ति विरोधी कोई काम कर उसको अगर कोई हम स्वीकार करें तो भी अपराध। इसलिए क्रोध इसको वृद्धि करनी चाहिए, जो भगवान की विद्वेष लोगों के प्रति क्रोध करनी चाहिए। लोभ प्लस साधु संगे हरि कथा, लोभ होनी चाहिए लेकिन किस चीज़ में, चलो कब हम साधु संग मिले, कब साधु संग में, कब हम भगवान की कथा सुने। इसलिए मोह इष्ट गुणगाने, मतलब कब भगवान की गुणगान करें, भगवान की महिमा को गाएं। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह और मद हैं, इसलिए कहते हैं सब चीज़ को क्या करो, भगवान की सेवा में लगा दो, सारे काय मन वाक्य से जो कुछ करते हो भगवान के लिए किया करो सब चीज़ हैं। इसलिए घर बनाओ किसके लिए बनाओ, भगवान की मंदिर बनेगा। झाड़ू लगाओ कहाँ झाड़ू लगाओ, भगवान की मंदिर के लिए, इसलिए कुछ भगवान के लिए करो। खैर उसके बाद में कहते हैं, कहते विशेष करके ये कलयुग में हमारी जो निष्ठा है, कहते ये नाम का प्रति हमारी विशेष निष्ठा की बात उसमें बताते हैं, जिसमें बताए एवं व्रत सुप्रिय नाम कृत्वा चातानुराग दुर्दचित उच्चई असत्य रोध तिरो। इसमें कहते हैं कहते एवं व्रत, इसलिए हमारी व्रत किस चीज में होनी चाहिए, कहते भगवान का नाम का प्रति व्रत हमारी होनी चाहिए। जैसे हम नाम व्रत रखा है, व्रत मतलब होता है दृढ़ नाम। इसलिए हमारे विशेष करके कलयुग में हमारी दृढ़ता किस चीज में रहनी चाहिए। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं जितने भी दूसरे दूसरे भक्ति के अंग हमें जाने करनी चाहिए, लेकिन हर चीज में अगर प्रभु का नाम का अगर नहीं जोड़ोगे ना वो भक्ति पूर्ण नहीं है। इसलिए तभी वो बात कहते हैं जब श्री महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर माध्यम कर रहे थे, हाथ में तो काम कर रहे थे लेकिन मुंह में भगवान का नाम आ रहे, जैसे किसको कलश देना है, कलश लेते हैं बोले हरे कृष्ण है, इसको बुलाना भैया हरे कृष्ण है, कोई चीज देना भैया हरे कृष्ण, हर चीज प्रभु का नाम की इशारा पर कर रहे थे। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं
कलजीव गोस्वामी कहते कलयुग में सारे भक्ति के अंगों को साथ में टूटना हमको जोड़ दो, जैसे रसोई बना कर हाथ में रसोई बना कर हमको नाम लो, घर में झाड़ू लगा रहे जैसे गोपियां क्या करती थी, बोले गोविंद दामो धर्मार्थ वेदी, गोविंद दामो धर्मार्थ वेदी, तो प्रभु का नाम भी तीसरा बड़े सारे काम हर चीज में कहते हैं प्रभु का नाम हर चीज में जोड़ देने चाहिए, कि तभी वो भक्ति का अंग पूर्ण नहीं तो भक्ति का अंग पूर्ण नहीं है, हैं क्योंकि सकल साधन अंग श्रेष्ठ और एक पंच अंग कहते कृष्ण प्रेम उभरे धार अल्प संग, लेकिन उसको सार लेके तो फिर तीन लास्ट में कहते हैं निरपराध नाम लले पाए प्रेम धन, अगर कोई प्रभु का नाम कोई याचन करता है निरपराध हो साथ में जो भक्ति की 64 अंग का फल केवल ये हरिनाम सबको मिल जाए और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, जो व्यक्ति नामाश्रय ग्रहण कर दिया वो सारे भक्ति का अंग उसको हो जाएगा, इसलिए जीवन में व्रत क्या रहनी चाहिए, बोले भगवान का नाम को ही जीवन का व्रत करो, इसलिए महाप्रभु कहते की शयन की भोजन की बा जागरण आहर निश्चिंत कृष्ण बोध वचन, सोते उठते बैठते करते हर समय क्या करो आहर निश चिंता कृष्ण, हर समय में कृष्ण को चिंतन करो और बोलह बदले हरि नाम, इसलिए जो तीन तरह का जो वैष्णव बताए कनिष्ठ मध्यम प्रबुद्ध, कनिष्ठ वैष्णव किसको बोले जो कभी कभी नाम लेते हैं, मध्यम वैष्णव किसको बोले जो निरंतर नाम लेता है, जो निरंतर हरि नाम लेता है ये मध्यम वैष्णव, और उत्तम वैष्णव किसको बोले जिसको देखने पर ही अपने आप में उत्तम वैष्णव, इसलिए कहते जीवन का व्रत क्या बनानी चाहिए हरिनाम, जैसे हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख हरिनाम करते हैं, अगर हम 16 माला करते हैं दिन भर भी करते हैं, अगर वो 1 लाख हरिनाम करता है तो सोते से लेकर सोने तक अगर पूरा के पूरा अगर जी जान लगा दे तो किसी तरह से 1 लाख, और जो व्यक्ति 3 लाख हरिनाम तो 3 लाख हरिनाम उठते बैठते सोते पूरा खाना पीना कब ये करके बस 8-20 घंटा तक हरिनाम कर, इस तरह से क्या होगा 3 लाख हरिनाम पर ही होगा, इसलिए उदाहरण देते हैं कहते हैं जब तक वो व्यक्ति निरंतर हरिनाम नहीं करेगा ना निरंतर हरिनाम वो अनर्थ नहीं करेगा, कृष्ण निष्ठा रुचि आसक्ति भाव जो प्रेम बताया तो वो चीज को प्राप्त नहीं कर सकता, उदाहरण दिया जैसे नीचे जैसे पानी निकालना है अगर एक जगह पर 2 हाथ खोद दिया तो पानी यहाँ नहीं मिला, एक जगह पर 3 हाथ खोद दिया यहाँ नहीं मिला, एक जगह पर 1 हाथ पानी खोद दिया सारा पृथ्वी को खोदो पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा एक जगह पर खोद है एक जगह पर जब तक पानी नहीं निकल जाता है तब तक खोदते रहो खोदते रहो एक दिन पानी निकल ही जाएगा, इसका मतलब है कि हम लोग का जो भजन है ना जैसे माला में 16 माला करना तो माला कर दिया पर इतना समय माला किया उतना समय भी मन इधर उधर इधर उधर फैल गया और उसके बाद में माला कर दिया फिर मन मन तो और भी चला गया इसलिए बोले भक्ति तीन तरह का भक्ति आरोप सिद्धा संघर्ष सिद्धा और ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है, इसलिए हमको ये स्वरूप सिद्धा भक्ति को हमें अध्ययन करना पड़ेगा, स्वरूप सिद्धा भक्ति जो भक्ति डायरेक्ट भगवान करता है भगवान की चिंतन के अलावा और कोई चिंतन जिसमें नहीं होता है इसको कहते हैं स्वर्ग सीधा भक्ति है, हैं और आरोप सीधा भक्ति से चलो खेती करेंगे खेती अभी खेती में जो सब्जी होगा ना फिर वो सब्जी को क्या करेंगे फिर तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, फिर पहले सारे एनर्जी तुम्हारी खेती में गया जब खेती कर उसको सारे एनर्जी खेती में चला गया उसको पानी देने उसको उगाने में फिर उसको लेकर कहीं बाजार में बेचा नहीं कोई पैसा आया नहीं लगाया, इसलिए जिसमें आरोप करके ऐसे करके भर जा करके हम क्या करेंगे फिर उसको भगवत भक्ति में हम लगाएंगे, हैं इसलिए कहते जो स्वरूप सीधा भक्ति इसमें भगवत स्मरण के सिवाय हम जो कोई काम करें भगवत स्मरण के सिवाय और कोई स्मरण इसमें आए नहीं, हर चीज में भगवान को डायरेक्ट जो भक्ति डायरेक्ट है और उसमें जो स्वरूप सीधा भक्ति ने जो हरिनाम जो संकीर्तन है ना यदि सर्वश्रेष्ठ है।
तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराध नाम ले पाए जो डायरेक्ट जो सेवा है ये हरिनाम के द्वारा ही डायरेक्ट सेवा ये हरिनाम स्वरूप सिद्ध भक्ति में ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति हरिनाम है। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति सोचेगा नहीं हम कुछ नहीं करके माला लगा बैठे अगर नहीं होगा नहीं होगा साधारण व्यक्ति के लिए नहीं होगा। इसीलिए कुछ लोग जब जगन्नाथ शिवाजी महाराज रहते थे सूर्य कुंड में कुछ लोग आए भजन करने के लिए तब उन्होंने बोले भैया वो दिन भर माला लेकर बैठ जाते दिन भर और जगन्नाथ दास को आज महाराज वो साधारण नहीं सब जानते हैं मन की बात बोली घर छोड़ कर गया दिन भर माला लेकर बैठ रहा है फिर दिन भर माला लेकर बैठे हैं और सोचता है किसको अपना घर की याद कर अपना बीवी बच्चे जिनको छोड़ कर आया माला दे दे कर लेकिन सोच रहा है किसको अपना पुत्र परिवार इसमें नाम अपराध है ले जाओ खेत में बैगन और वहाँ पर साग सब्जी लगाओ भगवान की सेवा में लग गया तो सुकृति बनेगा संस्कार बनेगा तो फिर जाकर के तुम भक्ति हो गई। हम तो घर में यही करते थे और इसको छोड़ करके आए भजन के लिए करते वही काम बोले भक्तिमन ठाकुर आएंगे तो कुछ नहीं बड़े बोले जब भक्तिमन ठाकुर आए बोले ऐसे ऐसे बोलते बोले वो सही बोल रहे वो सिद्ध बाबा है तुम्हारी मन की बात जानता है अब तुम तो माला कर रहे हो लेकिन मन तुम्हारी माला में नहीं मालूम तुम्हारी और कहीं है और कहीं तुम्हारी मैंने इसलिए वो जो बोलते हैं उसको करो संस्कार बनेगा फिर जब वो चीज ठाकुर का सेवा में लगेगा। लेकिन जिनका भक्ति थोड़ी ऊंची भक्ति हो गई जिनकी उनके लिए है सभी के लिए नहीं सभी लोग माला लेकर दिन भर बैठ नहीं सकते हैं और मन पागल हो जाएगा। इसलिए साधारण व्यक्ति के लिए इसलिए जैसे भगवान के लिए उसके बनाओ उनके लिए फूलों की माला बनाओ उनके लिए मंदिर साफ करो तरह इसलिए जिसका इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतिम समय में कहते एवं व्रत जिसने अपना जीवन में किसको व्रत बना दिया भगवान का नाम और कौन सा नाम बोले सो प्रिय अपना प्रिय नाम बोले हमारे प्रिय नाम क्या है हमारा प्रिय नाम है कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ये हमारे प्रिय नाम है। दूसरे संप्रदाय में कोई ओम नाम भगवत वासुदेवाय करता है कोई राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे करते हैं कोई व्यक्ति नमो नारायण करते हैं कोई व्यक्ति अलग अलग जो अपना प्रिय नाम वो सब सब करते हैं। लेकिन हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय का प्रिय नाम हरे कृष्ण महामंत्र है यदि उसको अगर अपना जीवन में व्रत बना लिया हरे किया होगा हरे नाम करते करते बोले जाता अनुराग धीरे धीरे नाम का व्रत अनुराग आएगा लेकिन पहले तो अनुराग नहीं आएगा पहले नहीं आएगा लेकिन नहीं आने पर भी रूप गोस्वामी कहते छोड़ना नहीं आप देखो हरे नाम करने के दूसरे काम में तो मन लगेगा माला लेकर बैठो मन अभी खत्म नहीं होता अभी भी माला खत्म मन छटक रहता है लेकिन इसके लिए क्या बताया तो गोस्वामी जैसे मिश्री तो मीठा है लेकिन किसको उसको कड़वा लगता है बल्कि इसको जिसको जेलिस का जीवन लेकिन डॉक्टर क्या कहता है कड़वा तो लगेगा लेकिन चुसते रहना चुसते 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 तुम्हारी कड़वापन अपने आप खत्म होगा फिर मीठा लगेगा कहते इच्छा नहीं करने पर भी कहते अनुदिन जिन तब नाम गाई क्रमे देख पाए तब अपराध जावे नामे रुचि हवे आस्वाद बनाम से भक्तिमन ठाकुर कहते हैं धीरे धीरे हरि नाम करते करते बैठ करके आदर पूर्वक प्रेम प्रीति पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आदर करके जतन पूर्वक करना पड़ेगा है फिर धीरे 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 सिद्ध फल जना नाशी रफम लोकर में स्वादो है उदाहरण देसी जैसे कि मिश्री चुस्ते चुस्ते जैसे कड़वा अपन खत्म हो जाता है फिर मिश्री धीरे धीरे मीठा लगने लग जाता है अरे धीरे 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 फिर भगवान का नाम मीठा लगने तुमको लग जाएगा जब मीठा लगने लग जाए हरे नाम ना कहते उसको क्या हो दुर्धचीत हो जाए फिर नाम लेते हृदय है इसलिए तदस्म सार हृदय पदकम इसलिए जदगिर जमान हरे नाम इसलिए अगर प्रभु का नाम को लेकर के अगर हृदय द्रवीभूत नहीं होता है आंखों से आंसू नहीं आती समझना चाहिए कुछ अपराध है कहते हैं हृदय पत्थर हो गया कुछ अपराध है कुछ अपराध है इसलिए तभी प्रभु का नाम लेकर के रोना नहीं आता है। इसलिए क्या करो प्रभु का नाम लेते उस समय में आंखों से नम गलदस्त धारे आंखों से आंसू बहने लग जाएगा हृदय में गदगद होने लगते
जातानुराग वृद्धि कचो चुतो चई उसका जो हृदय द्रवित होगा फिर क्या होगा भगवान का लीला हृदय में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। प्रभु का सुंदर सुंदर कैसे मखन चोरी कर रहे हैं, कैसे प्रभु रास रचा रहे हैं, कैसे गोपियों घर घर में ठाकुर जाते हैं, कैसे फल विक्रिया का फल ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी कैसे गोचारण करते हैं, कैसे राधा कुंड में लीला करते हैं, धीरे धीरे उसका हृदय में ये लीला धीरे धीरे हृदय में लीला प्रकट होने लग जाएगी। पर देख कर क्या प्रभु कोई विचित्र लीला देते हंसना, फिर रोदती हृदय से जब कभी लीला अंतर ध्यान हो जाएगा रोने लग जाएगा है रोती कभी जब कृष्ण विरह इतने रोने लग जाता है, कृष्ण जो आदर्श न दे देते हैं चले जाते हैं इतने रोने जो प्राण ही त्याग देगा, फिर भगवान देखते हैं प्राण त्याग देगा। पर जैसे गोपियों ने रास की कृष्ण जी से अंतर ध्यान हुए अब गोपी गीत गाए तो कृष्ण फिर दो बार गोपी गीत में कृष्ण प्रकट हो गए, फिर क्या क्या नृत्य दी कृष्ण गोपियों के साथ में दो बार उन्होंने महाराज किया है हैं। लोक बाह्य उस समय में इस शरीर का कोई हुदूद नहीं रहेगा है, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, अरे हम माला तिलक लगाए किसी नहीं कोई लोग देख नहीं रहे तो क्या तुम बुरा नहीं मानेंगे, क्या तुमने इतना बड़ा टीका लगा दिया गंदी पहन लिया, हाँ लोग हमें कोई हंसी दिलक नहीं करेगी हमें है, उस समय में इस चीज उसकी भ्रम नहीं रहता, भले दुनिया क्या जाने मैं तो रह गई मैं तो रह गई तेरा श्याम दुनिया क्या जाने हैं। उस समय लोग भाई कुछ नहीं रहता है वो तो अपना मस्त में मस्त रहता है प्रभु की लीला में प्रभु के चिंतन में मस्त रहता है। कैसे कैसे सब चीज होगा क्योंकि हरिनाम को हम ठीक ठीक से अपराध शून्य होकर जब हरिनाम करेंगे हरिनाम से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे।